जनता दल सेक्युलर पे महाराष्ट्र में, जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के लोग हैं, जिसमें बहुत सारे राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जिलाध्यक्ष हैं और पदाधिकारी हैं, उन सब लोगों की एक बैठक पुणे में हुई। इस बैठक में दो फैसले लिए गए हैं। पहला फैसला तो राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेगौड़ा ने, जो जनता दल की घटना के खिलाफ, सिद्धांतों के खिलाफ फैसला लिया है, उस फैसले की हम सब लोग महाराष्ट्र का विरोध कर, महाराष्ट्र के सब लोग, महाराष्ट्र जनता दल विरोध करता है, उस फैसले की निंदा करता है और किसी भी हालत में किसी भी तरीके से इस फैसले के साथ हम नहीं रहेंगे, ये डिक्लेयर करता है। दूसरा, इसी के साथ पूरे देश भर में जनता दल की जो इकाइयां हैं, महाराष्ट्र के अलावा केरल है, कर्नाटक के भी अनेक सारे साथी हैं, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, उन सब लोगों के साथ मिलके जो प्रक्रिया चल रही है इसके खिलाफ क्या क्या करने का है, उसमें भी हम पूरे ढंग से शरीक रहेंगे। तीसरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे सामने कुछ पर्यायी नहीं रखा है। अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो हम उस विचारधारा के साथ कभी नहीं जा सकते, इसीलिए हमको पर्याय या ऑप्शन तो ढूंढना ही पड़ेगा। इस ऑप्शन के बारे में भी चर्चा हुई। इस चर्चा में ज़्यादातर राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पक्ष तथा अन्य भी लोगों के बारे में चर्चा हुई। इस बारे में हमारे महाराष्ट्र के नेता माजी न्यायमूर्ति कोळसे पाटील साहब, बीजी कोळसे पाटील साहब, इनके साथ बात करके, सलाह मशवरा करके, इन पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हम बातचीत करेंगे और जो ऑप्शन है जनता दल के सभी कार्यकर्ताओं के लिए, उसके बारे में फैसला जल्द से जल्द करेंगे। ऐसा डिसीजन हम सब लोगों ने मिलकर लिया है।